मित्रों, जो लोग शांत होना चाहते हैं वो लोग उन लोगों से ज़्यादा अशांत होते हैं जो शांति पाने के लिए कुछ प्रयास नहीं करते। आपने देखा होगा जो लोग भी शांति प्राप्त करने के लिए या मुक्ति, ध्यान इत्यादि प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास करते हैं, कुछ ध्यान करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, प्रवचनों को सुनते हैं, तो वो लोग और भी अशांत होते हैं सामान्य आदमी से जो इन बातों में नहीं पड़ता, अपने लगा रहता है। हाँ, वो चिंतित होता है मगर चिंता के बाहर आने के लिए कोई प्रयास वो नहीं करता। मगर जो लोग प्रयास करते हैं वो लोग दोहरी अशांति में पड़ जाते हैं। पहली अशांति तो पहले की थी ही कि संसार में कुछ पाऊं और ये क्यों हुआ, ऐसा होना था। जो सामान्य आदमी की चिंता है वो चिंता भी उसके पास है और साथ साथ उसके पास अब दूसरी चिंता भी आ गई कि अब शांत कैसे होना है, तो वो दोहरे अशांति में पड़ गया। इसलिए आत्मखोजी में लगे हुए लोग ज़्यादा अशांति का अनुभव करते हैं। आपने देखा होगा ना, जो पूजा पाठ करता है, इस किस्म का कोई अनुशासन को फॉलो करता है, तो वो लोग ज़्यादा ऋष्यालु, ज़्यादा क्रोधी हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अशांत में होते हैं। जो लोग अशांत में होगा उसके पास से क्रोध का पैदा होगा, तो क्रोध पैदा हो रहा है तो कितना भी बड़ा साधु क्यों ना हो, बाहर से दिखाई पड़ता वो अशांत में है। और ज़्यादा अशांत में है जो लोग संसारिक है और जो लोग उनके पास आ रहे हैं, तो ऐसा हो रहा होता है जो सबसे ज़्यादा अशांत में है वही दूसरे लोगों को शांति कैसे पाना है इसकी प्रवचन देता है। ऐसे बहुत गुरु दिखाई पड़ेंगे आपको जिसके पास करोड़ों के संख्या में भक्त है और उनके पास बैठकर वो बोलता है, सभी लोग उसको सुन रहे होते हैं मगर उससे क्रोध उत्पन्न हो रहा है। वहाँ वो किसी को गाली दे रहा होता है और वो गाली उसके वाणी से नहीं, उसके शरीर से, उसके आँख से भी प्रकट हो रही है। तो इतना अशांत आदमी दूसरों को शांति का मार्ग दिखा रहा है। तो इसी कारण जो आत्मखोजी में लगे हुए लोग हैं वो और ज़्यादा भटक जाते हैं, कारण वो इन जैसे लोगों के पास चले जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि शांति कैसे प्राप्त हो जाए। तो वो जो खुद हमसे भी ज़्यादा अशांति में था वो फिर आपको मार्ग बताएगा शांत होने का। वो कैसे बता सकता है शांत होने का मार्ग जबकि वो खुद अशांत है, क्रोध में है, तो फिर वो क्या मार्ग देता है? वो इस किस्म का मार्ग देता है, जैसे शांत होना हो तो किसी मंदिर में जाकर किसी भिखारी को कुछ समोसा बांट दो तो आप शांत हो जाओ, तो इस तरह का वो मार्ग दिखाता है और हम लोग इसको मान लेते हैं। तो शांति कैसे होती है फिर, शांत आदमी कोई कैसे हो सकता है? क्योंकि शांति को पाने की चाह भी
अशांति का ही द्वार है, तो क्या रास्ता है? मित्रों, इसमें रास्ता बिल्कुल उल्टा है। इसमें रास्ता ये है कि आपको अशांति का स्वीकार करना होगा, शांति को नहीं चाहना होगा। शांति की चाह से ही ये सब समस्या पैदा हुई थी, क्योंकि चाह समस्या है। आप किस चीज़ को चाहा ये दूसरी बात है। आपने धन चाहा कि प्रतिष्ठा चाहा कि सेक्स चाहा कि आपने शांति चाहा कि ध्यान चाहा कि प्रेम चाहा, वो एक ही बात है, क्योंकि चाह है सभी में। और शांति की चाह जो करेगा और उसको पाने के लिए कुछ प्रयास जो करेगा, वो अपनी चाह के पीछे चलेगा, तो अशांत शांति उसको नहीं होगा, क्योंकि चाह ही अशांति है। तो रास्ता क्या है कि अचाह होकर अपनी अशांति को स्वीकार करना होगा। मगर हमको ये बात उल्टी लगती है, क्योंकि शांति से तो हमको बाहर आना है, तो फिर क्यों इसे स्वीकार करना, इसे तो त्यागना चाहिए ना। मगर बात ये है कि इसको हम त्याग तो नहीं सकते, अशांति को कोई भी त्याग नहीं सकता। कोई है तो कैसे त्यागेगा? तो इसलिए त्याग तो हम सकते नहीं, हम बाध्य है। इसलिए तप यही है, तपस्या या ध्यान बोलते हैं ना, वो यही बात है कि हमको इस बात पर राजी होना होगा कि हमने कुछ बलिदान भी देना है, हमने कुछ अपने को मिटा भी देना है बातों को समझने के लिए। तो राजी होना होगा अपनी अशांति को स्वीकार करने के लिए। अब त्याग नहीं सकते तो उपाय नहीं बचा, अब उपाय एक ही बचा, इसको स्वीकार कर दो। और स्वीकार करने का क्या अर्थ है कि मुझे जो हो रहा है अशांति के नाम का, दुख तनाव के नाम का, जो कुछ भी अनुभव में हो रहा है शरीर में मन में, जहाँ भी होगा तो शरीर में ही होगा, मन में ही होगा, तो शरीर के किस हिस्से पे कहाँ पर कैसा अशांति दिख रहा है, अनुभव हो रहा है, तो उससे घबराना नहीं है, उससे भागना नहीं है, उसका फेस करना है, है? तो उस अशांति को बुलाना है और उसे फेस करना है, उसका चैलेंज स्वीकार करना है और उसको चाहना, चाह नहीं रखनी है, अचाह होकर उसको स्वीकार कर देना है कि तू है, ठीक है और मैं राजी हूँ, मेरा कोई विरोध नहीं है, तो है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अशांति है तो है। तो इस तरह जब आप स्वीकार करेंगे तो क्या हो जाएगा कि आप शांत हो जाएगा जाओगे, बिल्कुल अनूठी बात हो जाएगी, है ना? होनी नहीं चाहिए थी, होनी तो उसको चाहिए थी जो शांति पाने के लिए कुछ कर रहा है, क्योंकि बेचारा वो परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपना श्रम और पैसा लगा रहा है, तो उसको नहीं हो रहा है और आपको हो गया, आपने कुछ किया नहीं, आपने न लंबी सांस ली, न भस्त्रिका प्राणायाम किया, न किसी तीर्थ व्रत पर आप चले, कुछ नहीं किया, आप ऐसे ही केवल बैठे थे
और ये बात आपको ध्यान में आ गई कि मैं राजी हो जाऊं, इस पर बात ऐसी है क्या? तो ये समझकर उसको स्वीकार कर देना है। और स्वीकार करने के कारण क्या हो जाएगा कि वो चीज़ नहीं बचेगा। ये एक नियम है, जिसको हम स्वीकार करते हैं ना, वो नहीं बचता है, वो स्वीकृत हो गया, वो अब हमारे ऊपर कुछ प्रभाव नहीं डाल सकेगा। अगर हम उसको विरोध करें तो प्रभाव डालेगा, समर्थन करें तो प्रभाव डालेगा। तो आप समर्थन और विरोध कुछ ना करें, उसको स्वीकार कर दें, तो फिर उसको होने का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात वो आपको कुछ बंधन नहीं डाल सकेगा अब, क्योंकि वो स्वीकृत हो गया है ना, स्वीकृत हो गया, वो अशांति स्वीकृत हो गई, तो अब अशांति का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इस तरह आप शांत होंगे। और इस तरह का जो शांति है वो इतनी वास्तविक शांति है फिर, कि आपको कोई नरक में डाले तो वहाँ पर भी आप शांत होंगे। कोई आपको नरक पर डाल दे, बहुत बड़ा सा बड़ा बंधन में भी हमको रख दे, तो भी ये शांति रहेगी, क्योंकि ये वहाँ पर भी स्वीकृत हो जाएगी, है स्वीकृत होने की कला है, तो वहाँ पर स्वीकृत हो जाएगी। और आप नरक में होंगे तो भी आप शांत होंगे, और ऐसी ही शांति जब आपको मिल सकती है तो ही आपको कुछ वास्तविक चीज़ मिला है ना। आपको जैसी परिस्थिति में भी वो होगी तो वो वास्तविक चीज़ हो गई अब, और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ हो गई। मगर हमारे जो आत्मखोजी है, ऋषि मुनि इत्यादि हैं, अगर वो लोग किसी गुफा में जाकर या किसी आश्रम में जाकर, किसी जंगल में जाकर वहाँ पर बैठे रहते हैं बहुत समय तक, हमको लगता है कि ये आदमी शांत है, और हमको ही नहीं लगता, वो उस आदमी को भी लगता है कि वो शांत है ना। जंगल में बैठा हुआ, वो आश्रम में अकेला बैठा हुआ उस ध्यानी ज्ञानी को लगेगा कि मैं शांत हो गया, मेरे पास क्रोध काम इत्यादि कुछ बचे नहीं। वो अनुभव करेगा भी, धोखे में पड़ जाएगा। मगर वो शांत जो दिखाई पड़ता है वहाँ पर, वो शांति स्वीकृत की गई अशांति से आई हुई शांति नहीं है। वो शांति केवल किसी चीज़ का अभाव है, वो अशांति है ही उसके अंदर, मगर बाहर प्रकट नहीं हुई। तो क्योंकि वो आदमी अकेला जंगल में बैठा है तो कोई क्रोध करने वाला उधर है नहीं, तो क्रोध कैसे पैदा हो? काम के काम वासना के लिए उधर कोई स्त्री दिखाई नहीं पड़ती, तो काम वासना भी उसको नहीं होगा कुछ क्षण के लिए। चिंता उत्पन्न करने वाली कोई घटना उधर नहीं घटेगी, क्योंकि अकेला बैठा है तो वो चिंतित भी अभी नहीं है, क्योंकि चिंता अपने जगह पर है, वो बाहर प्रकट नहीं हुई, सुसुप्त अवस्था में है। तो उसको लगने लगा कि शांति है, मगर उसके पास शांति असली वाली है कि नहीं, उसके लिए उसको एक बार संसार में लाना पड़ेगा, भीड़ भाड़ में लाना पड़ेगा, तब उसकी जितनी भी लंबी तपस्या क्यों न हो, एक क्षण में विनष्ट हो जाएगी। वहाँ पर उसको अहंकार पर चोट देने वाला कोई नहीं था आश्रम में, और जो लोग आते थे उसको जी हजूर नमस्ते करते थे, पैर ढोकते थे, तो इसीलिए उसके भीतर का क्रोध बाहर नहीं दिखाई पड़ा।
कोई आदमी आपके पैर ढोक रहा हो तो उस वक्त उस आदमी के प्रति क्रोध नहीं पैदा होगा, है ना। तो क्रोध होगा मगर वो पैदा होने का कारण उधर नहीं आया, मगर जब वो भीड़भाड़ में आएगा और कोई उसको पैर से पैर में लात हान देगा तो उसको बहुत रिस उठ जाएगी फिर, क्योंकि उसको किसी ने ठेल दिया तो पीछे मुड़ के फिर देखेगा कौन मुझे छेड़ रहा है, पता नहीं मैं कौन हूँ, ये वो, इस किस्म की धारणा उसके दिमाग में आएगी। तो फिर उसकी 12 वर्ष से जमी हुई जो क्रोध है वो एक ही बार उधर दिखाई पड़ जाएगी, आग बबूले हो जाएगा। इसलिए मित्रों, असली शांति के लिए जीवन परीक्षा है, जीवन से भागना नहीं है, है ना। तो अगर उस 12 वर्ष से तपस्या करने आदमी ने संसार नहीं त्यागा होगा, भीड़भाड़ में रहा होगा, तो उसके पास जो शांति विकसित है वो परिष्कृत नहीं हो जाएगी वहाँ पर, है ना। क्योंकि आप जांच करेंगे ना, आज जाएंगे समाज के बीच में और समाज में बीच में रहकर मैं कितना शांत हूँ आज, उसका नोटिस करेंगे और फिर कल भी करेंगे, और आज से कल ज़्यादा सुधार हुआ कि नहीं हुआ इसका भी पृष्ठ पोषण आपको प्राप्त होगी। उस आदमी को देखकर कल रिस उठता था, आज उस आदमी को देखकर रिस नहीं उठ रहा है, तो एक बहुत बड़ी सफलता आपको हो गई, रिस नहीं उठ रहा है। तो ये 12 वर्ष से ध्यान तपस्या करने वाले आदमी से ज़्यादा सच्ची शांति है, क्योंकि नेचुरली विकसित हुई है। तो मित्रों, वास्तविक शांति तो वही है जो अशांति में भी जिसका अनुभव होगा, है ना। अशांति से दूर जाकर जो शांति मिलेगी वो शांति सत्य नहीं होगी, क्योंकि वो क्षणिक होगी। जब भी अशांति के पास वो आएगी और वो भी अशांत हो जाएगी, तो असली शांति ये होगी कि जैसी भी अशांति क्यों ना हो, जहाँ पर भी आप क्यों ना हो, वहीं पर इसका अनुभव हो जाए। तो मित्रों, इस किस्म के शांति पाने का रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ मेरी प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज भी हैं, वो आपको मदद कर सकती हैं। उन वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए आप मुझे बात कर सकते हैं, उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।